तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रसगुल्ला आ चुका है 10 रुपए पीस। तो साहिबा ये वाला खा के बताएगी, खा के क्या बताएगी। ये तो भाई हमारी जो है यहाँ की एकदम पहचान है कलकत्ते की, कोलकाता रसगुल्ला, कोलकाता रसगुल्ला। कैमोन आचे रसगुल्ला बंगला में बोलना होगा लेकिन। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ चुका हूँ दमदम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे मेट्रो है दमदम का, दमदम जंक्शन में रुका हुआ हूँ मैं अभी। और यहाँ पे लगभग मैं पूरे 15 महीने बाद आ रहा हूँ। लास्ट में यहाँ पे शूट किया था आकर, पूरे स्ट्रीट फूड मैंने यहाँ पे कवर किया था 19 फेब 2022। और आज है 29 मई 2023। तो लगभग 15 महीने बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ काफ़ी दिन से, क्योंकि फिर रेस्टोरेंट्स या घर वाले ब्लॉग्स आ रहे थे, चैलेंज ब्लॉग्स आ रहे थे। तो आज बहुत दिन के बाद मैं एकदम प्रॉपर एक स्ट्रीट फूड बनाने वाला हूँ, स्ट्रीट फूड ब्लॉग, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है। और इससे पहले जब मैंने बनाया था लास्ट वाला जो नीचे अभी आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया था, आपने काफ़ी प्यार बरसाया था। तो उम्मीद है कि ये ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रीट टूर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या यहाँ पे 2023 में और क्या ऐड हुआ यहाँ पे, सब कुछ ट्राई करेंगे जितना होगा। और हम मेरे साथ आज जो कैमरामैन तस्मिया है, साहिबा है, जरियान है, तो बस यही है। और चलिए चलते हैं, तो जितना होगा आज हम लोग कवर करेंगे। और अभी जो है बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है, 6 बज, अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो देखते हैं आराम से, अभी काफ़ी टाइम है, जितना होगा एक्सप्लोर करेंगे आराम से घूम कर, और आपको भी दिखाएंगे। तो बस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें इसको भी, क्योंकि लास्ट वाला ब्लॉग आपने काफ़ी प्यार दिया था दमदम वाले में, तो इसमें भी उतने ही प्यार, उससे थोड़ा ज़्यादा देंगे तो चलेगा, लेकिन कम मत करना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। जो कि कोलकाता की जान और शान है बिरयानी, तो यहाँ पे मैंने देखा है जूनियर आज़ाद बिरयानी, चिकन बिरयानी ओनली ₹40। मैंने कंफर्म भी किया, मुझे लगा मजाक से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कंफर्म किया है। तो भैया ने बोला 45, बिरयानी क्या दाम का ज़रा बताइए एक बार, 40 रुपया प्लेट, एक बार दिखाइएगा बिरयानी। अच्छा, आप एक प्लेट लगाइए ना, एक ना खा वो, तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, तब भी एक प्लेट हम लोग लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से 40 रुपीज़ की चिकन बिरयानी से, ज़्यादा शुरू ड्राई मत दीजिएगा, थोड़ा नीचे का दीजिएगा। बिरयानी आगे 40 रुपीज़ में चिकन बिरयानी, और क्वांटिटी देखा हो यहाँ पे भाई, मतलब इतनी है कि आराम से एक आदमी अगर भूखा है तो उसका पेट भर जाने वाला है। तो 40 रुपये क्वांटिटी तो बहुत है, अब क्वालिटी देखते हैं। और 40 रुपये के हिसाब से चावल जो यूज़ किया है इन्होंने, चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं ख़राब क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छा खासा क्वालिटी दे रहे हैं 40 रुपीज़ में। और एक आलू है छोटा सा, और जो चिकन है मेन वो आपको इस साइज़ का है, जो कि 40 रुपीज़ में पता नहीं किस हिसाब से दे रहे हैं, जितना भी कम मुझे लगता है चिकन 50 से 60 ग्राम का तो होना ही चाहिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं इनका खाना कैसा है। जो प्रॉपर सेंट आता है बिरयानी का वो तो है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बिरयानी वाला नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। तो सामने लाओ, इधर इधर तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, बिरयानी देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन खाने में वैसा टेस्ट नहीं है। खाने में मैं बोलूँगा एक अजब तरह का जैसे लग रहा है, चावल तो पहले बॉईल सही से नहीं हुए हैं, आलू देखते हैं आलू कैसे हैं। आलू बहुत अच्छा है, और चिकन भी देखते हैं कैसा है, चिकन अच्छे से कुक हुआ है। चलिए आलू से तो खा के देखते हैं कैसा है खाना। देखो तो भाई, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताऊंगा,
आप भी कहो क्या भाई 40 रुपये बिरयानी और आप इसमें जो अच्छाई बुराई निकाल रहे हो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 40 रुपये के हिसाब से तो बहुत अच्छी है बिरयानी। अगर आप भूखे हो तो आराम से आके ट्राई कर सकते हो, पेट भी भर जाएगा और अच्छी बिरयानी है। बिरयानी की ग्रेविंग वगैरह तो वो नहीं मरने वाली है, पेट भर जाएगा, क्वांटिटी सही है, क्वालिटी भी अच्छी, लेकिन टेस्ट मैं बोलूँगा अगर मैं मार्क्स दूंगा अगर तो मैं इसको दूंगा 6 out of 10। और अगर प्राइस के हिसाब से बोलूंगा तो 10 out of 10 दूंगा, लेकिन अगर टेस्ट वाइज बोलूंगा तो 6 out of 10। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, अभी काफ़ी कुछ हम लोग को ट्राई करना है, तो इसलिए जो भी स्टॉल में हम जाएंगे एक ही एक लेंगे, हम लोग 3-4 लोग हैं तो हम लोग सब थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, तो इसको मैं जब तक फिनिश कर लेते हैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर। उसी डेस्टिनेशन में आ गए तो हम जाते हैं, अभी थोड़ा सा आगे तो यही मेट्रो के पास ही आपको जो है ये वो मिल गई है मटका कुल्फी या कुल्फी वाला आइसक्रीम, जो कि हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, अब नहीं मिलता है सब जगह, इत्तेफाक से यहाँ मिला तो हम यहाँ रुक गए। तो ये बड़ा वाले का दाम है 20 रुपये और छोटा वाला 10 रुपये, तो हम 10 वाला ले गए। भैया चाय तो बनाइए 10 वाला, थोड़ा सामने आओ ना, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसको रखा जाता है बर्फ़ में, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला रहता है क्योंकि बर्फ़ गले ना, और उसी में कुल्फी है। तो अभी वो निकालेंगे और बनाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुल्फी निकाल रहे हैं भैया, तो हम 10 ही वाली ले रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ खाना है हमें थोड़ा थोड़ा करके, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये देख कर जो दिल आ गया। तो तस्मी हम लोग खा के बताएगी कि कहते हैं कैसा है टेस्ट इसका। तो इन लोग के तो बचपन की चीज़ नहीं, ये है एक्चुअली साहिबा के बचपन की और मेरे बचपन की चीज़, क्योंकि ये बहुत रेयर मिलती है, और ये ज़्यादातर जमशेदपुर हम लोग जब जाते थे छोटे में तो जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा मिलती है ये चीज़। तो चलिए साहिबा बताएगी कि कैसी है, बचपन की याद ताज़ा हो रही है कि नहीं। तो चलिए मैं भी खा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अभी फिर दूसरे डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, पहले इसको हम लोग फिनिश कर ले उसके बाद मिलते हैं थोड़ी ही देर। यहाँ पे बाहर में ही है, यहाँ पे न्यू मार्केट बोल के है जो दमदम का, इससे पहले मैंने दिखाया था, चलिए अभी भी आपको दिखाते हैं कि अभी क्या नज़ारा है यहाँ पे दमदम का न्यू मार्केट। तो ये मार्केट है आपको दमदम का, इसका नाम है न्यू मार्केट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कपड़ों से लेकर जूते चादर जो भी घर का सामान होता है सब कुछ, मेकअप का सामान, परफ्यूम सबकी दुकान है यहाँ पे, खासकर यहाँ पे कपड़ों का बहुत कुछ है, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर सभी कुछ है। सब लोग फाइनली अपने थर्ड डेस्टिनेशन में आ गए हैं, आज़ाद स्पेशल बिरयानी, तो वो था छोटू जूनियर आज़ाद, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये ओरिजिनल आज़ाद बिरयानी है, और यहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी खाई थी तो उस ज़माने में जब पिछले साल आया था तो वो रास्ते में यहाँ पे स्टॉल लगा देता, तो इस साल माशाल्लाह भी इनका अपग्रेड हो गया, छोटी सी एक दुकान ले ली है काउंटर तो यहाँ पे, और दाम इनका 70 रुपये चिकन बिरयानी और 120 रुपये मटन बिरयानी, शायद लास्ट मैंने खाया था जब 60 रुपये चिकन था और मटन 110 था, तो 10 रुपये बढ़ाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनकी क्वालिटी इस बार कैसी है, वैसी है कि नहीं है। भैया एक मटन बिरयानी निकालिए ना, मटन नहीं, अच्छा चिकन बिरयानी खिलाइए। हमारी बिरयानी आ चुकी है, 70 रुपये था ना, 70 रुपीज़ की, तो क्वांटिटी इनकी बहुत होती है, इससे पहले भी मैंने देखा था, और इस बार ये है कि आप आराम से बैठ के खा सकते हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आराम से यहाँ पे 10-12 लोग खा बैठ सकते हैं। तो माशाल्लाह भी पहले रस्ते में था अभी छोटी दुकान, तो अल्लाह ने बहुत तरक्की देखी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उम्मीद है कि ये काफ़ी आगे जाएं। अब पता नहीं इस अभी कैसी बिरयानी, पिछले बार तो मैं बहुत मुझे अच्छी लगी थी, अब इस बार देखते हैं इनकी बिरयानी कैसी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, 70 रुपये के साथ क्वांटिटी इनकी बहुत है यार, और चिकन का पीस भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ है।
और मटन मिली नहीं, मटन आज बनी नहीं है शायद, मटन अवेलेबल नहीं है तो मटन ही लेता 120 की, लेकिन चलो जो मिला है उसी को बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे बड़े गर्मा गर्म चावल है, मजेदार और एकदम तर चावल। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी है, मतलब एक डब्बे में इतनी है कि अगर आप थोड़ा कम खाते मतलब दो आदमी का हो जाएगा, इतनी बिरयानी रहती है। बिस्मिल्लाह। सबसे बड़ी बात आपको मैं दिखाता हूँ, 70 रुपये में जो उन्होंने चावल यूज किया, आप चावल की क्वालिटी देखो, जो 110 120 स्ट्रीट फूड में मिलता है, यहाँ पे आपको वही बिरयानी स्ट्रीट फूड में 70 रुपये में मिल रही है। आलू भी एकदम बड़ा सा आलू है, एक बड़ा साइज का आलू है आधा, पर एक यहाँ रखता हूँ। और चिकन भी यहाँ पे जो है, और सब हलाल है 100%, उसके लिए कोई बात नहीं, मैं हर जगह पहले पूछ लेता हूँ उसके बाद ही खाता हूँ। और ये यहाँ पे जो चिकन इस तरह का है, काफी जूसी लग रहा है देख के, पूरा मसालेदार। चलिए एक बार आलू के साथ इसको खाया जाता है। मतलब परफेक्ट जिसको बोला जाता है ना बिरयानी, वो बिरयानी मतलब ये ऐसी बिरयानी है कि कलकत्ता में हमारे साइड मतलब जहाँ मेरा घर है पार्क स्ट्रीट एरिया में, वहाँ पे यही बिरयानी जो स्ट्रीट फूड जो बेबल स्ट्रीट बिरयानी बेचते हैं, यही क्वालिटी मतलब ये क्वालिटी नहीं है पहली बात तो, 110 120 मिनिमम 100 110 से भी नीचे कहीं नहीं है चिकन बिरयानी, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है, इनका बिल्कुल एक अलग अलग बिरयानी होती है। नो डाउट और चिकन भी इनका एकदम अच्छे से वेल कुक है। तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा ये बिरयानी, अगर आप कभी भी गंदम आते हैं और अगर आप इसको स्ट्रीट फूड पसंद है तो ये कभी मिस मत करना, ये आजाद बिरयानी। ये बिल्कुल आपको जो है मैं दिखा दूंगा बाहर निकल के, ये बिल्कुल सामने में ही आपको, जैसे मेट्रो से बाहर आओगे मेन रोड में आपको मित्रा कैफे बोल के एक रेस्टोरेंट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपको आजाद बिरयानी का काउंटर है। तो ये कभी मिस मत करना, आओ मुझे ट्राई करना, मुझे प्लीज कमेंट करना है, टैग करना मेरे इंस्टाग्राम पेज में, नीचे आपको मिल जाएगा, आप वहां भी मुझे टैग करना, मैं आपको स्टोरी भी आपको लगाऊंगा जरूर। और मुझे प्लीज बताना कि आपको कैसी लगी, मुझे क्योंकि इनकी बिरयानी सच में बहुत अच्छी लगती है, मैं यहाँ जब भी आता हूँ ये बिरयानी मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। तो चलिए अब इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं, सब बिल बांट कर, उसके बाद फिर अभी और कुछ आएंगे तो वो भी आपसे दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। तो फिर तुम्हारा खाना हो गया, मैं तो खा लिया, जो लोग खा रहे हैं अंदर में बैठ कर, साहिबा तस्मी लोग भी खुशी में खा रहे हैं, अभी और भी काफी कुछ ट्राई करेंगे, जितना भी अभी पेट में जगह है जब तक तो ट्राई करेंगे। और वैसे भी दमदम में काफ़ी आपको यहाँ पे वो है, यहाँ पे फ्राइड राइस चाउमीन नूडल्स सब कुछ है अवेलेबल, लेकिन मैंने पिछले बार दिखा दिया तो इसलिए इस बार नहीं दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने पिछला मेरा दमदम इससे पहले जो 2022 में मैंने बनाया था, अगर वो वाला आपने व्लॉग नहीं देखा मेरा दमदम का स्ट्रीट फूड वाला, तो ऊपर में आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, या फिर लास्ट में आपको जो है उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं, वो भी आप देख लें। और इसका जो आपको मैं बता रहा था कहाँ पर है, ये मेरे पीछे में बिल्कुल मित्रा कैफे है, बिल्कुल उसी के आपको ऑपोजिट में आना होगा, यहाँ पे आपको आज़ाद बिरयानी का काउंटर मिल जाएगा। तो आप अगर दमदम आते हो तो इनकी बिरयानी आप आराम से वह ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी है, मतलब पैसे के हिसाब से क्वालिटी उससे भी अच्छी है। तो चलिए पैसा दे देते हैं, उसके बाद फिर ऐसे निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अभी काफ़ी कुछ ट्राई करेंगे इस धीरे, तो आप लोग बने रहिए। और उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा, तो मज़ा आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर लें, और चैनल को फिर कहूँगा नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। फ्रेंड्स हमारा बिरयानी खाना हो गया है और 70 रुपये के हिसाब से बिरयानी काफ़ी अच्छी थी। और अभी जो हम उसी के ये आप जहाँ देख सकते हैं आज़ाद बिरयानी है, उसी के बगल में एक चाउमीन का स्टॉल है, रोल कॉर्नर काका रोल, तो यहाँ पे काका रोल से फेमस है, ये भी आपको बिल्कुल मित्रा कैफे के अपोजिट में आपको मिल जाएगा इनका काउंटर। तो यहाँ पर आपको नूडल्स है, रोल है, चिकन रोल और नूडल्स है, तो यहाँ पर मैंने बोला इनका भी ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने भी नूडल्स का ऑर्डर दिया, तो आने के लिए जब आ जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्राइस है, नहीं और क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, तो आप लोग बने रहिए।
फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे नूडल्स आ चुका है। तो ये फुल प्लेट है ना, तो ये फुल प्लेट है और क्वांटिटी आप देख सकते हैं एक नूडल से ये 45 रुपीज़, तो क्वांटिटी तो काफ़ी है। तो अगर आप दो लोग भी खा रहे हो तो मुझे लगता है शेयर करके पेट भर सकते हैं अगर आप नाश्ते के बतौर खा रहे हो। और यहाँ पे रोल भी है, तो एग रोल 35 का है और चिकन रोल 45 का। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है दमदम में कि प्राइस काफ़ी जो है कम है बाकी एरिया से, जैसे कि हमारे वहाँ पे चिकन रोल जितना भी कम है 65-60 का है और एग रोल 40 का है। तो यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस आपको दमदम में कम मिलेगा और टेस्ट आपको पूरा मिलेगा। मटन रोल 70 का, तो मटन रोल भी है 70। तो चलिए अब इनके नूडल्स हम चेक करते हैं कैसी है। तो क्वांटिटी तो काफ़ी है, आप देखते हैं क्वालिटी और टेस्ट करते हैं। खासियत या जिस चीज़ के लिए कोलकाता की पहचान है वो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है खाने के मामले में कोलकाता का स्ट्रीट फूड। तो ये बिल्कुल जो कोलकाता स्ट्रीट फूड की जो नूडल्स होती है बिल्कुल वैसी स्ट्रीट फूड वाली, एकदम अनोखा इसका टेस्ट है। तो ये टेस्ट अगर आपको खाना है ना तो आपको यहाँ आना ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है और 45 के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी है, क्वान्टिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है। मैं तो कहूँगा अगर आप आते हो तो आप आज़ाद बिरयानी के ऑफिस बगल में ही है, आप इनकी नूडल्स चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पैसा वसूल है। और 45 के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं 10 में बोलूँगा तो 9/10 दूंगा, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी कोलकाता का जो स्ट्रीट फूड होता है वो मुझे लगता है कि मतलब इमोशन है हम लोगों के लिए। और जो कोलकाता के स्ट्रीट फूड का टेस्ट है वो आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट या ढाबा में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सब लोग मिलकर फिनिश करते हैं, फिर और कुछ ट्राई करेंगे तो वो भी दिखाएंगे। वैसे यहाँ पे अगर आप आते हो तो ट्राई कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है और अच्छी है क्वालिटी। तो चलिए अब इसको हम लोग फिनिश करने के बाद मिलते हैं। सभी हम लोग अपनी और एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आ चुके हैं, और जब बात हो कलकत्ते की स्ट्रीट फूड की और उसमें हम पुचका ना शामिल करें तो ये भाई नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि कोलकाता स्ट्रीट फूड में पुचका जो है एकदम मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये नहीं है तो फिर स्ट्रीट फूड मत करो। तो अगर कोलकाता आते हैं और स्ट्रीट फूड खाते हैं तो ये सबसे पहले ट्राई करें। तो हमने इसलिए अभी जगह रखी और ऐसे भी हमारा पेट भर चुका है ऑलरेडी यहाँ तक, तब भी हम लोग जितना होगा एक दो आइटम भी और ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आए हैं तो अच्छे से बनाएंगे ब्लॉग। तो कुछ का हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे भैया के पास, और मैं दमदम जब भी आता हूँ, अभी तो ऐसे बहुत दिन बाद आया हूँ, लेकिन पहले मैं हमेशा महीने दो महीने में आता था तो भैया के पास ही खाता हूँ हमेशा ज़्यादातर पुचका, क्योंकि उनका पुचका काफ़ी अच्छा होता है। और 10 रुपये का कितना दे रहे हैं आप? 4 पीस दे रहे हैं। तो पुचका भी यहाँ पर आपको 10 का 4 मिल रहा है, हमारे यहाँ पर 10 का 3 मिलता है। तो यहाँ पर दमदम में अभी भी प्राइस थोड़ा सा नीचे है और क्वालिटी यहाँ की काफ़ी अच्छी होती है। और पुचका तो भाई ऐसी चीज़ है कि कुछ बोलने ही नहीं है, आप देखोगे मुझे पता है तो आपके मुंह पर पानी आने ही वाला है, तो मुंह में पानी आएगा तो आपको आना ही होगा। तो चिकन यार अभी आलू जो है तैयार हो रहा है, फिलिंग जो होता है पुचके के अंदर उसका फिलिंग तैयार हो रहा है। तो जब तैयार हो जाएगा पुचका हम खाएंगे तब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मेरा पहला जो है पुचका आ चुका है, है तो बहुत ही अच्छा लाजवाब। और मेरा बस कम से कम 30-40 का खा लूँ, लेकिन ऑलरेडी इतना कुछ खा चुका हूँ, अभी और भी ट्राई करना है, तो इसलिए मैं सिर्फ 10 का ही खा रहा हूँ, नहीं तो और खाता। बाय द वे पुचका बहुत ही अच्छा है इनका। एक यही चीज है और ये हमें एक बोनस मिलता है, और यही एक स्ट्रीट फूड में एक ऐसी चीज है जिसे मैं 10 नंबर पे 10 दूंगा, क्योंकि इसमें कोई कटौती मैं कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब इसमें अगर 10 में मैं 12 भी दूँ तो कम है, क्योंकि ये हमारा जो है जान है हमारी। हमारा पूरा खाना हो गया,
तो साहिबा भी खा रही है, तो चलिए तो खा ले, फिर पैसा देके फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि ट्राई और कुछ करें तो आपको दिखाता हूँ, जैसा रहेगा आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली हमारा कुछ खाना हो गया, और यहाँ पे जो भैया आलू चाट ही बनाते हैं, तो 20 रुपए का आलू चाट प्लेट है, तो उसमें भी हमारा दिल आ गया है, तो हमने वो भी बनवाया है, तो भैया बना रहे हैं, चलिए देखते हैं प्रोसेस बनाने का। कितना 20 रुपए करके ना आलू चाट। ये आलू कट गया, उसमें धनिया चला गया, मटर सॉरी चना और मिर्चा एकदम कम दीजिएगा, नमक चला गया और उनके अपने मसाले, मिर्चा चला गया, और ये इमली का खट्टा पानी जो कि इनका बिल्कुल जादू वाला पानी है आपका। और ये कुछ पापड़ी है, उसमें रोटी पापड़ी, तो ये रेडी हो चुका है, अब इसको सर्व करेंगे और हम लोग खा के फिर बताता हूँ कि कैसा बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आलू चाट आ चुका है, ये 20 रुपए में आप देख सकते हैं क्वांटिटी इतनी है कि मतलब हद नहीं है, बड़ा ठोंगा भर के, ये कम से कम 40 रुपए की क्वांटिटी है, तो दमदम अभी भी सस्ता है। चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबल 10 में 20, मतलब 20 out of 10, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन 10 out of 10 तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। जब आप कोई चीज खाएं ऐसे और आपकी आंखें ऐसे खुद ब खुद बंद हो जाएं, तो समझ जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना है। और ये आपके साथ भी होता होगा, जब आप बहुत अच्छा कुछ खाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना इंसान की आँख इस तरह से हो ही जाती है, इस तरह से। अरे आ जा भाई, जबरदस्त, तो काफ़ी क्वान्टिटी है इसमें भी, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा खाऊंगा, फिर बाकी तस्वीर और उसी साहब लोग खाएंगे। तो चलिए अब इनको पैसे दे देता हूँ, क्या उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे पेट में जाएगा, हम लोग कुछ भी खाएंगे, मोमो में अब मुझसे नहीं होगा क्योंकि बहुत पेट भर गया हम सबका। अब कुछ ठंडा मिलता है, लस्सी या कुछ कोल्ड ड्रिंक या सोडा टाइप का, तब वो पियेंगे, नींबू पानी टाइप। दिखाओ साहब यार, दिखाओ इसको, थोड़ा सा ललचाओ सबको, मुंह में पानी आना चाहिए। वाह, तो एक चम्मच और हो जाए फिर ये लोग ट्राई करेंगे। अरे 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 अरे, चलिए उनको पैसे दे देता हूँ, फिर आपसे मिलता। खाना पीना तो हो गया काफ़ी, सब मिर्चे वाला और मसालेदार, तो अब आ रही है कोलकाता का कुछ मीठा हो जाए, तो कोलकाता का फेमस रसगुल्ला खाने आए हम लोग। भैया रसगुल्ला कितने करते हैं? 10 रुपये। रसगुल्ला दे दीजिए, 3 3। तो एक एक रसगुल्ला खाएंगे और मीठा हो जाएगा फिर। वैसे भी कलकत्ते का अगर मीठे में रसगुल्ला नहीं खाए तो क्या ही खाए। यहाँ पर रसगुल्ला आ गया, 10 रुपये पीस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रसगुल्ला आ चुका है, 10 रुपये पीस, तो साहिबा ये वाला खा के बताएगी, खा के क्या बताएगी। ये तो भाई हमारी जो है यहाँ की एकदम पहचान है कलकत्ते की, कोलकाता रसगुल्ला, कोलकाता रसगुल्ला। कैमोन आचे रसगुल्ला, बंगला में बोलना होगा लेकिन। तो चलो एक ही है कि ज़्यादा नहीं तो माशाल्लाह ये ऐसी है कि 15-20 ले ले। तो वैसे पैक करवा लूँगा, अभी हमने शुगर एंड स्पाइस से भी काफ़ी सामान लिया, जरियान ने अपना केक वेक लिया, यहाँ से रसगुल्ला अगर अच्छा हुआ तो उनका पैक करवाऊँगा। तो चलिए रसगुल्ला खाते हैं यहाँ पे, 10 रुपये पीस। तो फ्रेंड्स अब हमारी शक्ल देखकर तो समझ में आना चाहिए कि हमारी शक्ल देखकर क्या खाना चाहिए। ये हमारी बैंड बज चुकी है, 12-13-14 बज चुके हैं, और हमारा यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट का जितना मुझसे हुआ कवर किया मैंने, और अब हम अपने क्या बोलते हैं ब्लॉग के क्या बोलते हैं अंतिम चरण पे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जो है साहिबा लस्सी ले रही है और मैं तस्वीर, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो यहाँ पे लस्सी अगर पीते तो 20 रुपये गिलास है, दिखा दो ग्लास कैसा, ठीक है बता दो कैसी है भाई। बहुत अच्छी नहीं बोली। 20 रुपए की लस्सी है और हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और जो खाएं थोड़ा सा हजम हो जाएगा। और ये रहा मेरे पीछे मेट्रो का सॉरी दमदम का मेट्रो स्टेशन, अंदर से स्टेशन जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे, 15 रुपए में जो है धर्मतल्ला के पास उतरेंगे प्लानेट पे, वहाँ से ऑटो करेंगे घर जाएंगे। ठीक है 20 रुपये में क्या रहेगा।
चलिए कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी लेता, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अब सोडा शॉप मिल गई है, तो बस यहाँ पे हम लोग सोडा पियेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। और यहाँ पे सोडा आपको 10 रुपए गिलास है, तो चलिए आ जाने दीजिए फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो है अब सोडा आ चुका है। साइबर ने मैंने पुदीना लिया है, तशु ने जो है यूरिन लिया है, क्या बड़ा हरामी हो बेटा। और जरियान ने कोला लिया है, तो अब इसको चेस करते हैं हल्का सा और अब पीते हैं इसको। ओए हमने ब्लॉग के दौरान मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग को अभी कितना टाइम हो रहा है देखो तो 8:05 तो लगभग हम लोग को 2.25 घंटा लगा है शूट करने में, पूरा एरिया कवर करने में। तो ऐसा है कि यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ है जो हमने नहीं कर पाए, क्योंकि हम 3 लोग हैं। दरियान तो कुछ खाया नहीं ऐसे भी, तो हम 3 लोग कितना खाएं। तो जितना हमसे हुआ हमने कवर किया, अपने औकात से ज़्यादा हमने खाया है। तो टेस्ट सबसे अच्छा लगा मुझे, वो जूनियर बिरयानी उतनी अच्छी नहीं लगी, तो बाकी सभी मुझे अच्छा लगा। सोडा भी काफ़ी अच्छा है ये वाला। पिछली बार जब मैंने पिया था यहाँ पे कोला फ्लेवर तो मुझे नहीं अच्छा लगा था, लेकिन पुदीना फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तस्मिया का जो वो था जो येल्लो वाला, वो भी अच्छा नहीं था, बोल रही बिल्कुल पानी टाइप का था, सोडा कम था उसमें ना, जहाँ फिज कम था इसमें, फिज बहुत था। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने 2.25 घंटे के शूट के दौरान हमने जो 10 वाली पानी की बोतल होती है लगभग 9 या 10 ली है, तो हमने 4.5 से 5 लीटर सिर्फ पानी पिया है। गर्मी काफ़ी थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कितनी गर्मी होगी आज, अच्छी खासी गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है आज, और एक घमस वाली गर्मी है। तो उसमें भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो बस अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना, तो हमें और मोटिवेट होते हैं, हमें मज़ा आता है बनाने में, फिर हमें भी हिम्मत होती है कि और अच्छे से अच्छा बनाए वीडियो। तो बस यही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर मेट्रो के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं, फिर वीडियो को एंड करूँगा, तो आप लोग बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स मैंने मेट्रो का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वो वहाँ से हम लोग लस्सी और कोल्ड ड्रिंक पी के जैसे ही मेट्रो के लिए अंदर गए तो साहिबा की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई, उसको वॉमिटिंग लगने लगी, पता नहीं वो लस्सी पीने के बाद ही हुआ, तो हो सकता है वो दही अच्छी नहीं होगी। मैंने मना भी किया था तब भी उसने पिया, और हम लोग भी थक गए थे, मैं और तस्मिया कैमरे को हाथ में पकड़े पकड़े, क्योंकि लगातार 2.25 घंटे कैमरे को पकड़े शूट करना मतलब हाथ का 12 बज जाता है, तो इसलिए फिर और कुछ मूड नहीं हुआ हम लोग का, तो हम लोग सीधा घर आ गए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आपने व्लॉग को देखा है तो कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आ ही होगा। तो चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए धमाकेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय बाय।